कल हम चर्चा कर रहे थे अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदार तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम। तो चाहे किसी की कोई कामना हो या ना हो, या मुक्ति की कामना हो, यदि वो व्यक्ति प्रेम पूर्ण भक्ति के द्वारा पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की पूजा करता है, तो श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि अन्य कामी यदि करे कृष्ण रा भजन नाम गीत कृष्ण तारे दिन स्वचरण। तो जो व्यक्ति की कोई भौतिक कामना है वो कृष्ण से कृष्ण के पास आता है कुछ भौतिक कामनाओं को लेकर और कृष्ण की भक्ति करता है कामना की पूर्ति के लिए, तो वो नहीं मांगने पर भी भगवान कृष्ण इतने कृपालु हैं कि उस व्यक्ति को अपना चरण कमल प्रदान कर देते हैं। कृष्ण कहे अमा भजे मागे विषय सुख अमृत छाड़ी विषम आगे यही बड़ मूर्ख। तो भगवान कृष्ण सोचते हैं जो व्यक्ति कुछ भौतिक कामना लेकर भगवान कृष्ण के पास आता है तो भगवान कृष्ण उस व्यक्ति के लिए सोचते हैं कि ये हमारा भजन करता है, हमारी भक्ति करता है, किंतु विषय सुख मांग रहा है हमसे। तो ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा मूर्ख है, क्योंकि ये अमृत को त्याग करके मुझसे विष मांग रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरा चरण कमल व्यक्ति को अमृतत्व प्रदान कर सकता है, किंतु ये व्यक्ति मेरी भक्ति करता है किंतु मुझसे विषय सुख रूप जो विष है उसको मांग रहा है, ये निश्चित रूप से बुद्धिमान नहीं है। क्योंकि संसार का जो विषय भोग है ये सदा सर्वदा दुखदायी होता है। यद्यपि प्रारंभ में थोड़ा सा सुख प्राप्त होता है किंतु उसकी अंतिम परिणति जो है ये दुखदायी है, कष्ट देने वाली है। इसलिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं यही संस्पर्श सदा होगा दुख ही आद्यंतवंत कौनते नाते सुरमते बुधा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि इंद्रिय स्पर्श जनित जो भी भौतिक विषय सुख है ये ही संस्पर्श सदा होगा दुख यो नहीं बते। तो ये इंद्रिय स्पर्श जनित विषय भोग ये दुख योनि प्राप्त करने का मूल कारण है। ये दुख योनि अर्थात ये भौतिक शरीर ये दुख योनि है। भौतिक शरीर के कारण हम संसार में दुख भोग करते रहते हैं, क्योंकि भौतिक शरीर के कारण हम विषय भोग की कामना करते हैं,
और उसकी परिणति होती है संसार का दुख। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं ये ही संस्पर्श लाभ होगा दुख जो मुनि बते आद्यंत अंत कौनते नाते सुरमते बुधा। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस बात को समझता है कि इस भौतिक संसार में जो विषय सुख है इसका आदि है और अंत भी है, ये अनादि या अनंत सुख नहीं है। ये विषय सुख प्रारंभ होता है और तुरंत समाप्त हो जाता है, किंतु जो जीवात्मा है ये भगवान का नित्य अंश होने के कारण जीवात्मा जो वास्तविक सुख चाहता है वो वास्तविक सुख अनंत सुख है, और ये अनंत सुख आध्यात्मिक कार्य से या भगवान कृष्ण की भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है। ये भौतिक कार्य से या भौतिक भोगों से प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि भौतिक भोगों का आरंभ है और अंत है। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है यह सोचकर यह भौतिक भोग में रमण नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि दुखमय है। इसलिए नित्य अनंत सुख के लिए वो प्रयास करता है, अर्थात भगवान कृष्ण की भक्ति में पूर्ण रूप से वो संयुक्त हो जाता है और भगवान कृष्ण के चरण कमल की प्रार्थना करता है। तो कृष्ण सोचते हैं जब कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण के पास आता है कोई विषय भोग की कामना लेकर, तो भगवान कृष्ण सोचते हैं कि ये व्यक्ति हमें हमारा भजन कर रहा है और भौतिक भोग की कामना कर रहा है, तो ये अमृत त्याग करके अर्थात हमारा चरण कमल जो अमृत प्रदान करने वाला है तो उसको त्याग करके ये विषय सुख रूपक जो विष है इसको मांग रहा है, इसलिए बहुत बड़ा मूर्ख है। किंतु हम तो मूर्ख नहीं है, भगवान कृष्ण सोचते हैं कि ये व्यक्ति हमें विषय भोग मांग रहा है ये मूर्ख है, किंतु हम तो मूर्ख नहीं है। तो कहते हैं आमी विज्ञ, कि हम तो सब कुछ जानते हैं सर्वज्ञ हैं। तो यही मूर्ख है विषय करने दिवो, तो ये व्यक्ति मूर्ख है किंतु हमारी भक्ति कर रहा है, मुझे मांग रहा है विषय सुख, और हम जानते हैं विषय सुख की परिणति क्या है, इसलिए हम इसको विषय सुख भोग क्यों प्रदान करें। स्वचरणामृत दिया विषय भुलायो, तो भगवान कृष्ण सोचते हैं कि इस व्यक्ति को क्योंकि मैं जानता हूँ विषय भोग की परिणति क्या है, ये दुख भोग करेगा विषय भोग प्राप्त होकर, इसलिए मैं अपने चरण कमल का अमृत इसको प्रदान करूंगा जिससे कि ये विषय सुख को भूल जाएगा और विषय सुख की कामना नहीं करेगा। स्वयं विदत्ते भजतं अनिच्छतं इच्छापिदानं निजपादपल्लवं। जब भी कृष्ण से किसी इच्छा को पूरी करने की विनती की जाती है तो वे उसे अवश्य पूरी करते हैं, किंतु वे ऐसा वर नहीं देते जिसका भोग करने के बाद भी पुनः मांगने की आवश्यकता पड़े। तो यही लाभ है, चाहे कोई भौतिक भोग की कामना
लेकर कृष्ण के पास आए है, यदि वो कृष्ण के पास आता है, यही लाभ होता है कि भगवान कृष्ण उसके भौतिक इच्छा को तो पूर्ण कर देते हैं, किंतु उसको इस प्रकार वरदान देते हैं कि बाद में वो पुनः कृष्ण से कुछ नहीं मांगता। जब किसकी अन्य इच्छाएं रहती हैं, किंतु साथ ही वो भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो कृष्ण से बलपूर्वक अपने चरण कमलों में शरण देते हैं, जहां वो अन्य सारी इच्छाओं को भूल जाता है। काम लागे कृष्ण भजे पाय कृष्ण रसे, काम छड़ी दास हिते हय बिलसे। जब कोई अपनी इंद्रियों की तुष्टि है तो भगवान कृष्ण की भक्ति में लगता है, किंतु उसके विपरीत उसे कृष्ण की सेवा करने का स्वाद मिल जाता है, क्योंकि पहले तो लोग कृष्ण की सेवा करने का आनंद नहीं जानते हैं, वो भौतिक भोग में ही आनंद की खोज करते हैं, और वो कामना लेकर यदि कोई कृष्ण के पास आता भी है तो भगवान कृष्ण की सेवा करते करते उसको कृष्ण की सेवा का आनंद प्राप्त हो जाता है, तो वह अपनी भौतिक इच्छाओं को छोड़कर स्वेच्छा से कृष्ण का सनातन सेवक बन जाता है। इसका अर्थ है कि वो पहले जो भोग की कामना लेकर आया था कृष्ण के पास, और कृष्ण की सेवा करते करते जो आनंद को प्राप्त हो रहा है, उससे वो भौतिक इच्छा को ही भूल ही जाता है और भगवान कृष्ण का नित्य सेवक बन जाता है। स्थान विलासी विलासी तपसी स्थित तन प्राप्तवान देव मुनिन्द्र गुह्यम काचन विचिन्नन अपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थोऽस्मि वरं न याचे। तो ये हरिभक्ति सुधोदय का श्लोक है जो ध्रुव महाराज ने कहा था, क्योंकि ध्रुव महाराज भौतिक कामना लेकर गए थे भगवान के पास, और कठोर तपस्या करने के उपरांत जब भगवान का दर्शन हुआ तो भगवान को दर्शन करके ध्रुव महाराज इतने आनंदित हो गए और प्रेम पूरित हो गए कि जो भौतिक कामना लेकर गए थे उसको भूल गए। यद्यपि भगवान विष्णु ध्रुव महाराज के सामने खड़े हैं, उनको वरदान देने के लिए प्रस्तुत है, और उनसे पूछ रहे हैं कि ध्रुव तुम क्या तुम्हें मांगना है मांगो, किंतु ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि स्थानाभिलाषी तपसी स्थित हम तम प्राप्तवान देव मनेन्द्र गोह, कि हे प्रभु मैं जब आपके पास आया था तपस्या करने के लिए और तपस्या करके आपको संतुष्ट करने के लिए, तो उस समय हमारे मन में ये अभिलाषा थी, स्थान की अभिलाषा, अर्थात हम राज्य की कामना करते थे, और फिर वो कामना कोई साधारण कामना नहीं थी, हम साधारण राज्य भी नहीं चाहते थे, हम अपने प्रपितामह ब्रह्मा के राज्य से भी उच्चतर राज्य की कामना कर रहे थे, और उसी कामना को लेकर हम आए वन में तपस्या करने के लिए। तो कहते हैं कि स्थानाभिलाषे तपोसि स्थित हम त्वं प्राप्तवान देव मुनिन्द्र गुह्यम, किंतु तपस्या करने के फल स्वरूप आप हमें प्राप्त हो गए, अब हम आपको अपने सामने दर्शन कर रहे हैं, किंतु आप देव मुनिन्द्र गुह्यम, आप देवताओं को प्राप्त नहीं होते, देवताओं को दर्शन नहीं देते, मुनिजन जो कठोर तपस्या में लगे हुए हैं
उनको भी दर्शन नहीं देता है, किंतु आपके हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा है कि आप हमें हमारे सामने दर्शन दे रहे हैं, तो हमने आज आपको प्राप्त किया है। काचम विचिंदन अपि दिव्य रत्नम। तो हम जब आए थे आपके पास तो हम कुछ कांच के टुकड़े मांगने आए थे, इसलिए तो पैसे कर रहे थे, क्योंकि ध्रुव महाराज जो राज्य की अभिलाषा उसको कांच के टुकड़ों के साथ तुलना कर रहे हैं कि काचम विचिन्न अपि दिव्य रत्नम। हम तो आपके पास आए थे कांच के टुकड़े मांगने के लिए, किंतु उसके बदले हमें दिव्य रत्न मिल गया। तो कांच के टुकड़ों से कोई लाभ नहीं होता है। जैसे हम रास्ते में जाते हैं, रास्ते में जाते समय देखते हैं कुछ कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं, कोई लोभ करके कांच के टुकड़ों को उठा नहीं लेता है, अपने पकेट में नहीं रखता है, क्योंकि वो जानता है कि इससे कुछ फायदा नहीं, लाभ नहीं। किंतु कोई रत्न पड़ा हो रास्ते में तो उसको हर कोई उठा ले। तो ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि हम तो कांच के टुकड़े में आपसे मांगने के लिए आए थे और इतना कठोर तपस्या कर रहे थे, किंतु हमारा सौभाग्य कि कांच के टुकड़े के बदले आप ही मुझे प्राप्त हो गए, आप जैसे दिव्य रत्न हमें प्राप्त हो गए। तो स्वामीन कृतार्थोस्मि वरम नजाच। तो ध्रुव महाराज कह रहे हैं हे प्रभु, मैं तो आपको प्राप्त होकर कृतार्थ हो गया, अब मुझे वर याचना करने की कोई कामना नहीं, हम आपसे कुछ मांगना नहीं चाहते, आप प्राप्त हो गए तो मैं कृतार्थ हो गया, हमारा जीवन धन्य हो गया, और यही वास्तविक हमारी तपस्या का फल है। वो राज्य हमें अभी नहीं चाहिए। तो इसका अर्थ है कि ध्रुव महाराज के मन में जो भौतिक कामनाएं थी, भगवान को प्राप्त होने के बाद वो कामनाएं शुद्ध हो गई, अब ध्रुव महाराज नहीं चाह रहे, उनका हृदय शुद्ध हो गया और भगवान को प्राप्त होकर वो दिव्य आनंद का अनुभव कर रहे हैं, प्रेम प्रीत हृदय में ही कथा कह रहे हैं। तो इससे ये प्रमाण है कि यद्यपि कोई भगवान के पास आता है कोई भौतिक कामना लेकर, फिर भी यदि वो भगवान की भक्ति में निष्ठापूर्वक संलग्न हो जाता है तो भगवान उसकी भौतिक कामना को पूर्ण करने के साथ साथ अपने चरण कमल को भी दे देते हैं, जैसे ध्रुव महाराज के साथ किया। यदि ध्रुव महाराज नहीं मांग रहे थे, किंतु भगवान जानते थे किस उद्देश्य से उन्होंने तपस्या की और उनके पास आए हैं, इसलिए भगवान ने कहा कि ध्रुव, तुम जिस उद्देश्य से मेरे पास आए थे, तुम्हारे प्रपिता महा ब्रह्मा से भी उच्चतर राज्य में तुम्हें दे रहा हूं, और इस प्रकार का राज्य किसी को प्राप्त नहीं है, मैं तुम्हें दे रहा, और इसके साथ साथ तुम्हारे पिता का राज्य भी तुम्हें प्राप्त हो, जिसके लिए तुम अपमानित हुए थे, पिता की गोद में बैठने के लिए तुम अपमानित हुए थे, तो पिता का राज्य भी प्राप्त होगा और अंत में तुम्हारे धाम को भी प्राप्त होगा। तो सब कुछ दे दिया ध्रुव महाराज, इसलिए ध्रुव महाराज बाद में पछता रहे थे, पश्चाताप कर रहे थे कि हमने ये कामना लेकर भगवान के पास हम क्यों आए, यदि हम एक भौतिक कामना लेकर नहीं आते तो आज ही हम भगवान के साथ उनके धाम में चले जाते, मुक्त हो जाते और घर में लौटना नहीं पड़ता। तो इसलिए पश्चाताप कर रहे थे ध्रुव महाराज जब घर लौट रहे थे वरदान पाकर।
संसार भ्रमित को न भाग्य कह तरे नदी प्रवाह जन कष्ट लागे तिरे। तो बद्धा जी ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में भ्रमण करते हुए और कई योनियों में सौभाग्यवश कभी किसी न किसी प्रकार इस अज्ञान सागर से मुक्त हो सकता है, जैसे किसी बहती नदी में अनेक बड़ी लकड़ियां, लकड़ियों में से सहसा कोई एक लकड़ी किनारे तक पहुंच जाए। उदाहरण देते हैं कि नदी में लकड़ियां बहती हुई जा रही है, तो उन लकड़ियों में से कोई एक लकड़ी नदी के किनारे लग जाए, सौभाग्यवश सारी लकड़ियां नहीं लगती है। तो उसी प्रकार इस भौतिक संसार में बहुत सारे जीव तरह तरह की योनियों में शरीर में प्रवेश करके तरह तरह के ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं, और सौभाग्यवश कोई जीव इस अज्ञान सागर को पार हो जाता है, उस किनारे लग जाता है। इसका अर्थ है कि वो कोई भाग्यशाली व्यक्ति ही भक्तों का संग प्राप्त कर सकता है, और उस भक्त संग के फल स्वरूप उसका उद्धार होता है। मैवं मम धन लस्यापि सदेवाचित दर्शनम् ह्रियमाणा कालनद्य क्वचित्तरति कश्चन। तो इस श्रीमद्भागवत का ही श्लोक है, ये अक्रूर द्वारा कहा गया है। जब अक्रूर जा रहे थे ब्रज में, नंदगांव जा रहे थे कंस के आदेश पर कृष्ण बलराम को मथुरा लाने के लिए, तो रास्ते में जाते हुए सोच रहे हैं अक्रूर कि यह सोचना मेरा भ्रम था कि चूंकि मैं इतना पतित हूं इसलिए मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन का कभी अवसर नहीं मिल सकेगा। प्रत्युत संयोगवश मुझ जैसा पतित व्यक्ति भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन कर सकता है। तो अक्रूर यदि भी मथुरा में थे किंतु वो सोच रहे थे कि मैं इतना अधम पतित हूँ, मेरा दर्शन कृष्ण का दर्शन मेरा नहीं हो सकता। अब जब उनको आज्ञा मिल गई हंस से, क्योंकि उस समय अक्रूर ऐसा क्यों सोच रहे थे, क्योंकि कंस के भय से भयभीत थे सभी लोग, मथुरा में रहते हुए वृंदावन नहीं आ सकते थे भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए। और यद्यपि अक्रूर जी का पारिवारिक संबंध भी है, फिर भी वृंदावन में आने के लिए कृष्ण का दर्शन करने के लिए उनको भय था, किंतु उसे कंस ने जिससे भय था, जिसके कारण वो नहीं आ पा रहे थे वृंदावन में नंदगांव में कृष्ण का दर्शन करने के लिए, उसे कंस ने ही उनका आदेश दिया कृष्ण भगवान को मथुरा लाने के लिए। तो इसलिए अक्रूर जी सोच रहे हैं कि संयोगवश मुझ जैसा पतित व्यक्ति भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन कर सकता है, ये हमारे लिए एक संयोग है। कंस ने हमें आदेश दिया कृष्ण भगवान को लेने के लिए, तो हम कृष्ण भगवान का दर्शन करेंगे। यद्यपि मनुष्य काल रूपी नदी की तरंगों में बहता रहता है किंतु अंततः वो किनारे तक पहुंच सकता है। तो काल रूपी नदी में बहते हुए ये संभावना है कि मनुष्य कभी किनारे पर पहुंच सकता है। कोनो भाग्य करो संसार क्यों मुख
साधु संगे तवे कृष्ण रति उपजय। भाग्यवशी मनुष्य अज्ञान के सागर को पार कर सकता है। जब उसके भौतिक अस्तित्व की अवधि घट जाती है तो उसे शुद्ध भक्तों की संगति करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। ये भाग्यवश जब किसी का संसार क्षय होने वाला है तब उसी समय उसको शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त होती है। ऐसी संगति से कृष्ण के प्रति उसका आकर्षण जागृत हो जाता है, क्योंकि भक्तों का संग करने से कृष्ण के प्रति आकर्षण जागृत होना स्वाभाविक है। इसलिए सत्संग या कृष्ण भक्तों के संग की आवश्यकता है भक्ति आरंभ करने के लिए। और इसलिए कहा है कि साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लवे मात्र साधु संग सर्वसिद्धि। थोड़े समय के लिए भी साधुओं का संग या भक्तों का संग व्यक्ति को सर्वसिद्धि प्रदान करने में समर्थ हो सकता है। ये साधु संग का इतना महत्व है। तो साधु संग में हमें भगवान के संबंध में श्रवण करने को मिलता है और भगवान की भक्ति करने के लिए जो साधन विधि है उसके संबंध में हमें शिक्षा मिलती है और भक्तों को देखकर उनका भक्ति में उत्साह, उनकी उनके उनके सेवा भाव, इसको देखकर भक्त जो नया भक्त है वो भी उत्साहित होता है और इस प्रकार भक्ति मार्ग में संलग्न हो जाता है। तो ये साधु संग का फल है। भवापवर्गभ्रमतो यदा भवेत् जनस्य तयोचित सत्समागमः। सत्संगमो यर्हि तदेव सद्गतो परावरेश तैरायते रतिः। हे प्रभु, हे अच्युत परम पुरुष, जब पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करने वाला व्यक्ति भौतिक संसार से मुक्ति पाने का पात्र बनता है तो उसे भक्तों की संगति करने का अवसर प्राप्त होता है। जब वह भक्तों की संगति करता है तो आपके प्रति उसका आकर्षण जागृत होता है। आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सर्वोत्तम भक्तों के चरम गंतव्य है और ब्रह्मांड के स्वामी है। तो इसलिए भक्तों का संग प्राप्त होना ये परम सौभाग्य की बात है, क्योंकि इसी से ही व्यक्ति का कृष्ण प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। कृष्ण यदि कृपा करे कोनो भाग्यवाने, गुरु अंतर्यामी रूपे सिखायो आपने। तो कृष्ण प्रत्येक जीव के हृदय में चैत्य गुरु अर्थात अंतकरण में स्थित गुरु के रूप में स्थित है। तो कृष्ण सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में है और परमात्मा के रूप में वो निर्देश देते हैं अंतर से। इसलिए परमात्मा जो है वो चैत्य गुरु है। जब वे किसी भाग्यशाली बद्ध जीव पर दयालु होते हैं तो वे उसे भीतर से परमात्मा के रूप में और बाहर से गुरु के रूप में भक्ति में प्रगति करने का उपदेश देते हैं। तो जो अंतर से भक्ति करने के लिए जो प्रेरणा प्राप्त होती है
तो ये परमात्मा प्रदान करते हैं, बताते हैं अंतर में बैठकर परमात्मा, जाओ उस भक्त संघ में जाओ, उस गुरु के पास जाओ, इसे बताते हैं, प्रेरणा देते रहते हैं। ये चैत्य गुरु का काम है। और जब जैसे शास्त्र में बताया है कि कृष्ण की कृपा से ही गुरु प्राप्त होता है, तो कृष्ण प्रेरणा देते हैं भक्त को किसको गुरु बनाना है, किसके पास जाना है। ये अंतर से प्रेरणा भक्त प्राप्त होता है, क्योंकि भक्त जब प्रार्थना करता है, पहले वो जानता नहीं कौन गुरु है, तो भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता है और भगवान कृष्ण भक्त के हृदय से उसको प्रेरित करते हैं, गुरु के पास भेजते हैं उसकी निष्ठा के अनुसार। और जब गुरु को प्राप्त होता है, फिर गुरु उपदेश देते हैं उसको बाहर से, अंतर से कृष्ण देते हैं और बाहर से गुरु उपदेश प्रदान करते हैं। तो कभी कभी होता है कि कोई भक्त गुरु का उपदेश पालन नहीं करता है, तो उस समय वो सोच नहीं पाता है कि हमने गुरु के उपदेश की अवमानना की, किंतु बाद में हो सकता है कि परमात्मा अंतर से उसको प्रेरणा देंगे कि तुमने गलती की, तुमने गुरु का उपदेश नहीं सुना। तो उस समय भक्त, वो भक्त क्या करता है, जब अंतर से प्रेरणा प्राप्त होता है, तो वो भक्त फिर जाके गुरु से क्षमा प्रार्थना करता है, अपनी गलती को समझ सकता है, ये परमात्मा उसको प्रेरणा देता है उसके लिए। आचार्य स्वगति। हे प्रभु, दिव्य कवि तथा अध्यात्म विज्ञान में पटु व्यक्ति भी आपसे पूरी तरह अपनी कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर पाते, यद्यपि उन्हें ब्रह्मा जितनी दीर्घा दीर्घाव दी गई थी, क्योंकि आप दो रूपों में, बाह्य रूप में आचार्य जी की तरह और अंतकरण में परमात्मा की तरह देहधारी जीव को अपने पास आने के निमित्त निर्देश देकर उनका उद्धार करने के लिए प्रकट होते हैं। साधु संग कृष्ण भक्ते श्रद्धा यदि है, भक्ति फल प्रेम है संसार जायक है। भक्त की संगति करने से कृष्ण भक्ति में श्रद्धा उत्पन्न होती है। भक्ति के कारण मनुष्य का सुप्त कृष्ण प्रेम जागृत होता है और इस तरह उसका भौतिक बद्ध जीवन समाप्त हो जाता है। तो ये कृष्ण प्रेम व्यक्ति के हृदय में सुप्त रूप में है। तो जब भक्त या व्यक्ति भक्तों की संगति करता है, तो भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है और वो भक्ति में संलग्न होता है, तो
तब भक्ति में निष्ठा पूर्वक संलग्न होने पर उसका हृदय शुद्ध होता है और कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है और इस तरह उसका भौतिक जीवन समाप्त होता है। यद्रच्छया मत कथा दौ जात श्रद्धस्तु यः पुमान् न निर्विघ्नो नातिशक्तो भक्ति योगस्य सिद्धिदा। यदि कोई किसी तरह से मेरी कथा के प्रति आकृष्ट होता है और भगवत गीता में दी गई मेरी शिक्षाओं में श्रद्धा रखता है और यदि मनुष्य में भौतिक वस्तुओं के प्रति झूठी आसक्ति नहीं है और साथ ही वो भौतिक जगत में अधिक आसक्त नहीं होता है तो मेरे प्रति उसका सुप्त प्रेम भक्ति द्वारा जागृत हो उठे। तो पहले तो बताया कि कृष्ण प्रेम जागृत होता है भक्ति के द्वारा, किंतु ये सब कंडीशन है कि यदि कोई किसी तरह से मेरी कथा के प्रति आकृष्ट होता है, भगवान कृष्ण इस श्लोक कह रहे हैं, ये उद्धव को कह रहे थे, ये भगवान के गुह्य उपदेश है उद्धव के प्रति अंतिम उपदेश। तो भगवान कहते हैं कि यदि कोई किसी तरह से मेरी कथा के प्रति आकृष्ट होता है, भक्त संघ से हो या श्रवण करके हो, किसी तरह मेरे कथा के प्रति आकृष्ट होता है और भगवत गीता में दी गई शिक्षाओं में श्रद्धा रखता है और यदि मनुष्य भौतिक वस्तुओं के प्रति झूठी आसक्ति नहीं रखता है तो एक हुई भगवान की कथा के प्रति आकृष्ट होना, दूसरी भगवत गीता में भगवान की जो शिक्षा है उपदेश है उसके प्रति श्रद्धा रखना और कोई भौतिक वस्तुओं के प्रति आकृष्ट नहीं होना। साथ ही वो भौतिक जगत में भी आसक्त नहीं होता है, केवल भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्त नहीं, भौतिक जगत के प्रति भी आसक्त नहीं होता। तो ऐसे भक्त जो भक्ति याजन करता है तो मेरे प्रति उसका सुप्त प्रेम जागृत होता है। महत् कृपा बिना कोनो कर्मे भक्ति न, कृष्ण भक्ति दृढ़ रहो संसार में। शुद्ध भक्त की कृपा के बिना किसी को भक्ति पद प्राप्त नहीं हो सकता। तो केवल ज्ञान अर्जन करके, विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन करके, ज्ञान अर्जन करके कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता या कृष्ण का प्रिय नहीं बन सकता। जैसे भगवान ने कहा है उद्धव से, न साधयति मम योगो न सांख्यं धर्म उद्धव न श्रद्धाय तप त्याग यथा भक्तिर्ममर्जित। कोई योग साधना करके, कोई सांख्य योग का अभ्यास करके, धर्म साधन करके, न साधयति मम योगो न सांख्यं धर्म उद्धव न श्रद्धाय, स्वयं शास्त्र अध्ययन करके, तपस्या करके या त्याग आचरण करके व्यक्ति मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, जैसे भक्ति के द्वारा मैं प्राप्त हो सकता। तो कहते हैं महत् कृपा बिना कोनो कर्म में भक्ति ना है। चैतन्य बाबू कहते हैं कि महत् पद अर्थात कोई शुद्ध महान भक्त की कृपा के बिना
कोई भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। ये कृष्ण भक्ति की बात तो दूर, उसका भवबंधन तक भी नहीं छूटता। तो ये इसका अर्थ है कि महान भक्तों की कृपा के द्वारा ही भक्ति में वो आगे बढ़ सकता है, अन्यथा नहीं। तो कर्म में भक्ति में जब भौतिक कर्म व्यक्ति करता है तो उसमें भक्ति का ऐश्वर्य प्राप्त होता है, ठीक है, किंतु भक्ति प्राप्त नहीं होती। रहुगणी तपसा न जाती न चर्चया निरूपणा दृढ़ा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्ये बिना महत्पाद रजोभिषेकम्। तो ये राजा रहुगण से जड़ भरत कह रहे थे कि हे राजा रहुगण, शुद्ध भक्त के चरण कमलों की धूल अपने सिर पर धारण किए बिना मनुष्य भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। केवल कठिन तपस्या करने से, अर्च विग्रह की भव्य पूजा करने से या संन्यास अथवा गृहस्थाश्रम के नियमों का कठोरता से पालन करने से अथवा वेदों का अध्ययन करने से, जल में डूबे रहने या आग अथवा कड़ी धूप में खुला बैठने से भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। तो ये कहने का तात्पर्य है कि शुद्ध भक्ति की कृपा के बिना ये भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती हमें किसी भी कार्य के द्वारा। न शर्मते स्ताव दूरो क्रमांग्रे स्पृशत्तनार्थम अपगमो यदर्थ मही असंपादरजोभिषेकम निष्किंचनानां न वृणीत जावत्। ये नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर को कह रहे थे, प्रहलाद महाराज के संबंध में, और ये श्लोक प्रहलाद महाराज ने ही कहा था हिरण्यकश्यप से। जब तक मानव समाज महात्माओं के अर्थात वे भक्त जिनका भौतिक संपत्ति से कोई लगाव नहीं होता, उनके चरण कमलों की धूल को स्वीकार नहीं करता, तब तक मानव जाति भगवान कृष्ण के चरण कमलों की ओर अपना ध्यान नहीं ले जा सकती। वे चरण कमल भौतिक जीवन के समस्त अवांछित कष्टों को दूर करने वाले हैं। तो भगवान कृष्ण के चरण कमल ही जीवों के कष्टों को दूर करने में समर्थ है, अन्यथा जीवों के ये भौतिक दुख या कष्ट से मुक्त पाना संभव नहीं है। तो भगवान के चरण कमल को व्यक्तित्व प्राप्त हो सकता है जब वो महात्मा जन अर्थात भक्त जन शुद्ध भक्तों के कृपा को वो प्राप्त होते हैं या उनके चरण कमल की धूल को प्राप्त होते हैं। साधु संग सर्व शास्त्र लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। इसलिए सारे शास्त्रों का निर्णय
कि शुद्ध भक्त के साथ क्षण भर की संगति से ही मनुष्य सारी सफलता को प्राप्त कर सकता है। तुलयाम लभे नापि न सर्गम न पुनर्भवम् भगवत संग संगस्य मर्तनं किमुपाशिषः। भगवत भक्त के साथ क्षण भर की संगति के मूल्य की तुलना जब स्वर्ग प्राप्ति या भौतिक बंधन से मुक्ति से नहीं की जा सकती है, तो भौतिक संपत्ति के रूप में सांसारिक वरदान के विषय में क्या कहा जाए, जो उन लोगों के लिए है जिन्हें एक न एक दिन मरना है। तो ये साधु संघ की तुलना स्वर्ग प्राप्ति या भौतिक बंधन से मुक्ति से भी नहीं की जा सकती, ये इतना महान है साधु संघ। तो फिर भौतिक जगत में जो लोग सांसारिक वरदान के लिए लालायित रहते हैं और जो एक दिन नष्ट हो जाएगा ये सांसारिक भौतिक वरदान, तो ये वरदान का क्या लाभ है या वरदान की तुलना कैसे की जा सकती है साधु संघ से, अर्थात साधु संघ से ये भौतिक वरदान की तुलना नहीं की जा सकती, स्वर्ग प्राप्ति की तुलना भी नहीं की सकती या मुक्ति की कामना भी नहीं की जा सकती। कृष्ण कृपाल अर्जुनेर लक्ष्य करिया जगतेर रखिया छेन उपदेश दिया। कृष्ण इतने दयालु हैं कि अर्जुन को लक्षित करके अपने उपदेशों के द्वारा उन्होंने सारे जगत को संरक्षण प्रदान किया है। तो यद्यपि भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे किंतु वो उपदेश सारे जगत के लिए उद्दिष्ट था। सर्वगुहतम भूय सुन मे परम वच दृष्टोऽस्मि दृढं इति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। मन्मना भव मद भक्तो मध्यादीनां नमस्कु मामेव शशि सत्यं ते प्रतिजानि प्रियोऽस्मि मे। तो भगवान कृष्ण एक गुड तत्व अर्जुन से कह रहे हैं, सर्व गुह्यतम भूय, समस्त गुह्यतम वस्तु में जो परम गुह्यतम है मैं तुम्हारे लिए है अर्जुन, अब मैं कहता हूँ सुनो, तुम्हारे हित के लिए मैं कह रहा हूँ। और एक गुरुतम बात क्या है कि मनमना भव मद भक्त कि सदा सर्वदा मेरा चिंतन करो और मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो, इस तरह तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें यह वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र। तो ये भगवान का सर्व गुह्यतम उपदेश है कि भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए ये गुह्यतम उपदेश सदा सर्वदा उनका चिंतन करना है मन में 24 घंटे कहा गया है। तो और भी शास्त्रों में बताया गया है कि सब स्मर्तव्य सततं विष्णु विस्मर्तव्य न जातचित्। भगवान विष्णु का स्मरण सतत करना चाहिए और एक मुहूर्त के लिए भी भगवान को भूल नहीं जाना चाहिए। तो भगवान कृष्ण भी वही बात कहते हैं कि मन मना भव मेरा चिंतन सदा सर्वदा करो, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो, प्रेम करो, इस तरह तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे
में प्रेम वचन रहता है। तो ये भगवान कृष्ण के वचन है, इस पर दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए और हम सदा सर्वदा किस प्रकार भगवान का स्मरण कर सके उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। पूर्वाज्ञा वेद धर्म कर्म जुग ज्ञान सब साधि से अज्ञा बलवान। तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने पहले तो कर्म के संबंध में बताया, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, तो इसके संबंध में से बताया है। किंतु ये जो अंतिम आदेश है भगवान कृष्ण का, अंत में ही ये बात कह रहे हैं, तो यही आदेश, ये बलवान आदेश है, ये सर्वश्रेष्ठ आदेश है। क्योंकि पहले जो बात बताई जाती है और बाद में जो बात बताई जाती है, तो वो बाद की बात वो पूर्ववर्ती बातों को नकार देती है। इसलिए बात की जो बात है तो ये गुह्यतम या सर्वश्रेष्ठ मान गए। अज्ञान बल भक्तेरा श्रद्धा यदि है सर्व कर्म त्याग करी से कृष्ण भजे। तो भगवान कृष्ण के जो अंतिम उपदेश है, क्योंकि साधारण तो बहुत सारे लोग भगवद गीता में जो कर्म योग, ज्ञान योग, धन योग की बात कही गई है उसके प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। कोई कर्म के प्रति आकृष्ट होता है, कोई ध्यान के प्रति, कोई ज्ञान के प्रति। किंतु यदि कोई ये जानकर कि भगवान कृष्ण का ये अंतिम उपदेश है, वो कह रहे कि उनका भक्त बनने के लिए, भक्तियों का अभ्यास करने के लिए, तो इस वाक्य पर यदि किसी की श्रद्धा होगी तो वो सर्व कर्म को त्याग करके कृष्ण की भक्ति में वो संलग्न हो जाता है। तावत कर्मान कुर्वन्ति न निर्विद्यतो जावता सत्कथा मत्कथा श्रवणावरोबा श्रद्धा जावर न जायते। जब तक मनुष्य सकाम कर्म से तृप्त नहीं होता और श्रवण कीर्तन विष्णु द्वारा भक्ति के प्रति रुचि जागृत नहीं कर लेता, तब तक उसे वेदत्व विधान के अनुसार कर्म करना पड़ता है। तो इसका अर्थ है कि जब व्यक्ति कर्म में प्रवृत्त होता है और कोई ज्ञान में प्रवृत्त होता है, किंतु उससे उसको संतुष्टि प्राप्त नहीं होती, वो संतुष्ट नहीं होता, तृप्त नहीं होता, तब जाकर वो कृष्ण की ओर मुड़ता है और भगवान कृष्ण की जो भक्ति की विधि है श्रवण कीर्तन आदि, तो उसमें रुचि जागृत करता है। तो वस्तुतः ये सकाम कर्म करते करते व्यक्ति जब सकाम, अब क्या, तब वो कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है या भक्ति के प्रति आकृष्ट होता है, तब जाकर उसके जीवन की सार्थकता होती है। किंतु जब तक वो तृप्त नहीं होता सकाम कर्म से, तो वो कर्म करता रहेगा, वही कर्म, वो कृष्ण के प्रति आकृष्ट नहीं होगा। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय
कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृता है। कृष्ण की दिव्य प्रभा भक्ति करने पर मनुष्य स्वतः सारे गौण कर्म संपन्न कर लेता है। ऐसा सुदृढ़ निश्चय श्रद्धा कराता है। इसका अर्थ है कि यदि कोई कृष्ण की दिव्य प्रभा भक्ति में संलग्न हो जाता है तो उससे समझना चाहिए कि उसके सारे अन्य कर्म गौण कर्म सब साधित हो गए। ऐसी श्रद्धा भक्ति में सेवा को संपन्न करने के लिए अनुकूल सिद्ध होती है। ऐसा सुदृढ़ निश्चय श्रद्धा कहलाता है। तो यहाँ कहते हैं श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। तो ये श्रद्धा अर्थात विश्वास, दृढ़ विश्वास कि कृष्ण की भक्ति करने से सारे कर्मों की पूर्ति हो जाएगी, ये विश्वास होना चाहिए भक्त को। और जब ये विश्वास हो जाएगा तब फिर वो दूसरे कर्म में प्रवृत्त नहीं होगा। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्ध भुजोपशाखा प्राणोपहाराश्च तथा यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाणां उत्सुतेज्य। वृक्ष की जड़ में पानी डालने से तना डालियां और टहनियां स्वतः तुष्ट हो जाती है, तुष्ट हो जाते हैं। इसी तरह उदर को भोजन देने से प्राण का पोषण होता है जिससे सारी इंद्रियां तुष्ट हो जाती है। इसी प्रकार कृष्ण की पूजा करने से तथा उनकी सेवा करने से सारे देवता तुष्ट हो जाते हैं। जस्मिन तुष्ट जगत तुष्ट। जब जब भगवान कृष्ण जब तुष्ट होते हैं सारा जगत तुष्ट हो जाता है। इसलिए कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त दूसरा कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, जय श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री सनातन गोस्वामी पाद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वर्ण की जय। निताय गौर प्रेमानंदे गुरुदेव की जय। मदन गोपाल दास गुड़गा, उनका प्रश्न है कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने लिए रंधन करता है, रसोई बनाता है, तो वो केवल पापी खाता है और हम जब भोजन को कृष्ण को अर्पित करते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है और पापों से मुक्त हो जाता है। तो मेरा प्रश्न है कि एकादशी में अन्न में पाप निवास करता है, तो यद्यपि एकादशी में हम अन्न भगवान को भोग लगाते हैं किंतु हम क्यों नहीं खाते हैं, क्योंकि उसमें तो पाप नहीं रहता भगवान को भोग लगने से। तो हम प्रतिदिन भगवान को
भोग लगा करके ही भोजन करते हैं, उनका प्रसाद लेते हैं, अन्न प्रसाद आदि। किंतु एकादशी का दिन हमें उपवास रहने के लिए कहा गया है। ये हमारे भक्ति का एक अंग है, एकादशी का उपवास, जन्माष्टमी, श्री राम नवमी, नृसिंह चतुर्दशी, इसे भगवान के जो आविर्भाव दिन आदि है, इस पर उपवास रहने के लिए कहा गया है। और विशेष रूप से एकादशी उपवास करने से भक्ति में वृद्धि होती है, इसलिए हमें उपवास करने के लिए कहा गया। और एकादशी उपवास का नियम है कि बिना कुछ खाने की, खाने की तो बात दूर, कोई पानी भी नहीं पीना है। यदि हम सचमुच एकादशी व्रत का पालन करेंगे तो ये बहुत कठिन है कि बिना जल के एकादशी के दिन रहना, तो कलयुग में सब लोग नहीं कर सकते, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमारे लिए कंसेशन दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, एकादशी में अन्न ग्रहण मत करिए। तो इसलिए हम लोग पूर्ण उपवास नहीं करके कुछ फल मूल दूध आदि ग्रहण कर सकते हैं। किंतु शास्त्र में बताया गया है कि जो एकादशी में भोजन करते हैं, चाहे वो फल मूल क्यों ना हो, तो एकादशी का आधा फल मिलता है, पूर्ण फल नहीं मिलता है। तो जो भी हो, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि एकादशी में अन्न भोजन नहीं करने का, तो प्रश्न है कि उस अन्न को यदि हम भगवान को भोग लगा के खाएंगे तो पाप मुक्त हो जाएगा। वो सत्य है कि पाप हमें नहीं लगेगा, एकादशी के दिन यदि हम भगवान को अर्पित अन्न जो प्रसाद बन गया उसका यदि हम भोजन करेंगे तो हमें पाप नहीं लगेगा, क्योंकि प्रसाद पाप मुक्त है। किंतु हमारा एकादशी व्रत भंग हो जाएगा, इसका अर्थ है हमारा एकादशी नहीं होगा। इसलिए हमें मना किया गया है एकादशी में, यद्यपि वो प्रसाद है, हम सब रोज प्रतिदिन प्रसाद लेते हैं, और एकादशी के दिन उपवास के लिए कहा गया है, इसलिए हम अन्न प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। यदि कोई ग्रहण करेगा भगवान के प्रसाद, उसमें पाप नहीं है, किंतु उसका एकादशी व्रत नहीं होगा। दूसरा और ये दूसरा प्रश्न है, किसी भक्त ने उनको पूछा कि एकादशी में राजभोग अर्पण करने के बाद उस राजभोग को हम गुरु परंपरा गुरुदेव को अर्पण करते हैं, हाउ द अनर दिस अन्न प्रसाद। तो ये उस दिन अन्न प्रसाद हमारे गुरु परंपरा ऐसे ग्रहण करते हैं। तो ऐसे एक दृष्टि से कुछ मंदिरों में देखा जाता है कि एकादशी के दिन राजभोग प्रसाद तो भगवान के लिए अर्पित होता है, किंतु एकादशी प्रसाद भी लगाते हैं और गुरु परंपरा को अर्पित करते हैं। किंतु यदि भी कोई एकादशी प्रसाद न लगा, चाहे वो राजभोग क्यों ना हो, तो जो गुरु परंपरा है ये सब आध्यात्मिक स्तर में है,
और हम आध्यात्म स्तर में उनको भगवान का प्रसाद ही बजाते हैं। यद्यपि हम हमारे गुरुदेव यदि उपस्थित हैं, हम उनको भगवान का अन्न प्रसाद नहीं दे सकते, किंतु यदि गुरुदेव गोलोक धाम चले गए तो उस स्थिति में वो साधक भक्त नहीं है। गुरुदेव जब संसार में है वो साधक भक्त का अभिनय कर रहे हैं आदर्श स्थापित करने के लिए, तो उस समय हम नहीं देते हैं उनको। किंतु यदि वो गोलोक चले गए हैं तो वो साधक भक्त नहीं, वो सिद्ध है, तो उसमें कोई दोष नहीं है। किंतु यदि गुरुदेव उपस्थित हैं उनको हम एकादशी प्रसाद अर्पित कर सकते हैं। और ऐसे कुछ मंदिर में हैं जहाँ एकादशी प्रसाद गौर नेता को भी अर्पित करते हैं, तो वो प्रसाद गुरुदेव को अर्पण करते हैं कुछ मंदिरों में। और ऐसा नहीं भी है तो कम से कम हम ये कर सकते हैं, ये तो हम मानस में अर्पण करते हैं गुरुदेव को भगवत प्रसाद, तो उसमें कोई दोष नहीं है। गोलोक धाम तो एकादशी करना चाहिए, गोलोक धाम एकादशी की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। बस हरे कृष्ण हरे कृष्ण।